खामोशियां बेचैनियां नादानियां आ गया पगैक पगैक मैं भी आ गया खाने की तैयारी कर ले पप्पू सब्जियां आ गई हैं सारी सब्जी ले आए ना सारी सब्जी ले आया हूं हां ये देख पर ये क्या सिर्फ सब्जी प्याज कहां है प्याज हां औकात देखिए अपनी क्या कहा ये दुकानदार ने मुझसे कहा जब मैंने उससे प्याज का भाव पूछा था भाई मैंने कितनी बार कहा है जब भी खरीदारी करने जाया करो ना चेहरा छुपा कर जाया करो जरूर दुकानदार ने पहचान लिया होगा इसलिए इंसल्ट कर दी तुम्हारी अबे यार प्याज बहुत महंगा हो गया है चांदनी आम आदमी तो खरीद नहीं सकता भाई अरे तो फिर बिन प्याज के मैं चिकन दो प्याजा कैसे बनाऊंगी भाभी आप चिंता मत कीजिए आज हम चिकन दो प्याजा ही खाएंगे कैसे आपका एक कंगन मुझे दे दो मैं इस कंगन को बेच के कम 2 किलो प्याज ले आऊंगा 2 किलो प्याज लेकिन 2 प्याजा चाहिए ना अपने को 2 ही प्याज चाहिए होंगे भाभी ज्यादा मत सोचो अगर चिकन 2 प्याजा खाना है ना तो कंगन का मोह तो छोड़ना ही होगा हाँ भाई दे दो ठीक है पप्पू हाँ दिले पत्थर रख लो चढ़ा पप्पू ये मेरी मम्मी के दिए हुए कंगन है मैं कंगन बेच के प्याज नहीं खरीद सकती अब हमने फैसला कर लिया है क्या? हम चिकन बिन प्याजा खाएंगे लो चिकन बिन प्याजा वो भी इनके हाथ का यार ये प्याज काटो तब रुलाते हैं और ना काटो तब भी रुलाते हैं ओहो क्या होगा इस देश का हाँ बताओ कैसे कैसे लोग सिंगर बन जाते हैं यहाँ पे अरे मैं देश की कंडीशंस की बात कर रही हूँ क्यों क्या हो गया देश की कंडीशन को हर जगह इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं तुम फिक्र मत करो चांदनी तुम हिम्मत रखो टटी रहो अपनी जगह पे क्या हो रहा है भाई मोनो निगम आया है मोनो निगम आ रहा है हमारे घर पे आपने बताया तक नहीं हमारे घर पर नहीं टीवी पे आ रहा देखना यार तुम दोनों यहाँ मिलकर टीवी देखो और यहाँ मेरी जॉब हाथ से जा रही है अरे तुम टेंशन मत लो ना चांदनी ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है किसी भी गरीब और बेसहारे को कभी भूखा नहीं सोने देता है ना भाई नंदू मैं गरीब और बेसहारा नहीं हूँ डोंट फील बैड चांदनी उसके घर में देर है अंधेर नहीं है जस्ट शट अप नंदू मजाक कर रहा हूँ यार मजाक कर रहा था यार ये कोई मजाक का टाइम है हर जगह डाउनसाइजिंग चल रही है जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरी भी नई नई जॉब लगी है अगर ये जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई तो अरे यार अब तो मुझे टेंशन हो गई चंदू कसम से क्यों भाई तुम्हारी कंपनी में भी डाउनसाइजिंग चल रही है क्या तो चुप बैठ कर टीवी देख चल भाई मुझे मौका कब मिलेगा काम करने का नौकरी पे जाने का नहीं भाई टीवी पे आने का इस चेहरे पे तो कहीं मौका नहीं मिलेगा तुझे टीवी पे आने का तो किस चेहरे पे मिलेगा इस चेहरे पे मिल सकता है अच्छा तो ठीक है भाई तुम्हारा चेहरा उधार ले लूंगा मैं क्या करूंगा बिना चेहरे का हा? वैसे भी तुम सड़ियल चेहरे के साथ करते क्या हो खाना खाता हूँ समझा और क्या क्या करता हूँ भाभी से पूछ ले थप्पड़ का प्लेटफॉर्म भी है पप्पू कौन से नंबर का जस्ट शट अप नंदू मैं किन बेवकूफों के बीच में फंस गई क्यों तुम्हारे ऑफिस में कोई भी सेंसिबल आदमी काम नहीं करता है क्या अरे मैं ऑफिस की नहीं तुम दोनों की बात कर रही हूँ मैं जा रही हूँ अरे यार छोटी छोटी बातों पे यार घर छोड़ के मत जाया करो चांदनी तुम मैं ऑफिस जा रही हूँ भगवान बाय भाभी बाय बाय चंदू टेक केयर बाय केले ले आना छे खत्म हो जाएंगे शाम तक यार ये भाई हम अमीर कब बनेंगे जिस दिन चांदनी का प्रमोशन होगा पगले यही एक लास्ट तरीका है हमारे अमीर बनने का यार भाई फिर तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से भाभी का प्रमोशन हो जाए हे भगवान मेरी भाभी का प्रमोशन करा दो भगवान जी की जय नमस्ते करो आप नमस्ते आप नहीं मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपको नमस्ते करें नमस्ते हाँ हाँ देखिए माफ कीजिए हाँ आप माफी क्यों मांग रही हैं मैं माफी मांग नहीं रही हूँ मैं कह रही हूँ माफ कीजिए वो मेरे पास खुले नहीं है आपको कितने का खुले चाहिए अंकल आपकी प्रॉब्लम क्या है बेटा मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ अंकल आप मांगने वालियों को कहाँ साथ ले जाना चाह रहे ये मांगने वाली नहीं है ये देने वाली है क्या मतलब ये मेरी बीवियाँ हैं क्या इतनी सारी अरे भाई इनमें 2 बीवियाँ हैं और एक भांजी और बाकी बच्चे हाँ बच्चों का तो समझ में आया लेकिन इनमें से आपकी भांजी कौन है और बीवियाँ कौन है आपको नहीं पता अरे भाई कैसे पता चलेगा इनकी शक्लें कितनी मिलती जुलती हैं ओहो व्हाटएवर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं बेटी हमारे घर में बहुत चूहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ चूहे पकड़ रहे हैं नहीं नहीं हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि हमें कुत्तों से डर लगता है कंफ्यूज मत कीजिए अंकल अभी आपने कहा कि आपके घर में चूहे हैं
हाँ हाँ, घर में चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली छोड़ी है और बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ते। क्या? ओ गॉड, इसका मतलब जब तक आप चूहे नहीं पकड़ लेते आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे हैं? नहीं नहीं नहीं, जब तक कुत्ते नहीं जाते तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। अंकल आप एक काम कीजिए, आप किसी नेबर के घर क्यों नहीं चले जाते? वेरी गुड आइडिया बेटा, वेरी गुड आइडिया, हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जाऊँ? कहाँ? जहन्नुम में। क्या कुत्ते पकड़ने? अंकल मैं आपकी भतीजी और बीवियों का लिहाज कर रही हूँ, ना बहुत इंसल्ट करती। नंदू, क्या हुआ चंदू? नंदू एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आखिर वो दिन आ ही गया जब तुमने मुझे मेरी बच्चे की खबर सुना दी। नी बड़ी हो गई है, देखो तो इसे। और जस्ट शट अप, मैं अपने प्रमोशन की बात कर रही हूँ। ये कौन है, कहाँ से लाई इसे? ये मुझे नहीं पता, अब तुम इसे छोड़ो। मुझे तो लगा था आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है, बट आई गॉट प्रमोशन। एक तो भगवान का चमत्कार है। वो चमत्कार मेरा ही है। वो बच्चा आजा। चाचा ढोलक, आप यहाँ? अरे भाई मेरा नाम भगवान है, भगवान क्यों बार बार भूल जाते हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। क्यों, क्या हुआ हमारे टीवी को? कुछ नहीं, ये चल रहा था, हम देख रहे थे। नंदू नंदू, ये सब पूरा परिवार यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं अंदर था। नंदू तुम भी ना, सुनिए आप लोग, विदाउट परमिशन आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? हाँ? अबे तुम्ही ने तो कहा था कि नेबर के यहाँ चले जाओ, तो हम आ गए। नेबर? पर हम आपके नेबर कैसे हुए? आप इस सोसाइटी के ये ब्लॉक में रहते हैं, मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, तो हो गए ना हम नेबर आपके। अरे परेशान ना हो, कल तक की तो बात है। कल तक की? देखिए देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग चलिए, निकलिए घर से बाहर, चलिए। अरे हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? मेहमान की कोई इज्जत है कि नहीं? आखिर मेहमान भगवान होता है भगवान। आप कौन है? मैं भगवान की बीवी। देखिए। थैंक यू। अरे मैं टीवी देखने की नहीं बोल रहा हूँ आपको। हाय हाय, तो किसे देखो? मुझे देखो, मुझे देखो। नंदू मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी। देखिए मैं बार बार कुछ सुनने वाली हूँ नहीं, और ये फॉर्मेलिटी छोड़िए, जाइए बिरयानी बनाइए। बिरयानी? हाय हाय, बनानी नहीं आती? चलो मैं सिखा देती हूँ। सुनो जी, मैं नहाने जा रहा हूँ, जरा टॉवल निकाल देना। जी स्वामी। अरे पानी कहाँ आ रहा है घर में? और मुझे पीना नहीं है। अरे तो नहाओगे कैसे? खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। पहचाना? अपना फोन नंबर दे दो, खुद ही कांटेक्ट कर लूंगा मैं। अरे भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ, वो तुमसे कभी मिला नहीं ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। लेकिन प्रोड्यूसर का मैं एक्टर ज्यादा लग रहे हो तुम। अरे भाई मैं तुमसे अपने सीरियल की स्क्रिप्ट लिखाना चाहता हूँ। क्या? अच्छा ये बताओ पैसे कितने लोगे? सर आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, मैं तो पहचाना ही नहीं आपको, कितने अच्छे दिख रहे हैं आप। कमाल है, हैंडसम हो गए चांदनी। अभी अभी मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म का क्लाइमेक्स लिख के खत्म किया है और आप आ गए। अच्छा मैं भी हूँ फिल्म में? नहीं नहीं, आप तो हमारे बेडरूम में हैं। अच्छा आप फिल्में भी लिखते हैं? लो थैंक यू थैंक यू। लेकिन फिर आप लिखो कैसे? मैं तो इससे भी काम चला लूंगा, टैलेंटेड हूँ। लिखने का जहाँ तक सवाल है ना सर, मैंने बहुत फिल्में लिखी, बहुत। हाँ आपने देखी होंगी। कौन 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 सी? धूम देखी आपने? हाँ हाँ, दो बार देखी। धूम टू? चार बार देखी। नहीं बार? अच्छी फिल्म लिखी। बूम बूम? बिल्कुल बिल्कुल देखी है। हाँ सर, ये सारी आपने लिखी है? आपने वही सारी फिल्में देखी हैं जो मैंने नहीं लिखी। नंदू हमारे बेडरूम में कौन आया है? ये आया नहीं है, प्रोड्यूसर साहब है। और प्रोड्यूसर साहब ये है मेरी बीवी चांदनी। इडियट। आप अपने पति को इडियट क्यों बोल रही हैं? मैं अपने पति को इडियट नहीं कह रही हूँ। ओके मैं मना करता हूँ, दूसरों के सामने। ये लो 25,000 रुपए और धांसू लिखना। धांसू लिखने के 25,000 रुपए? धांसू तो मैं भी लिख सकती हूँ। मैंने सर मैं सोच के लिखूंगा। कोई भी लिखे, मुझे तो अपनी स्क्रिप्ट से मतलब। हाँ ठीक है। भाई आप बाथरूम से ऐसे ही बाहर निकल आए? भाई आप अंदर से एकदम भगवान अंकल जैसे लगते हैं। अरे भाई मैं भगवान ही हूँ।
तो ये आपका बाथरूम हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे भाई बाथरूम भी आप ही का है। तो आप हमारे घर के बाथरूम में क्या कर रहे हो? अरे नहा रहा था। नहा रहे थे? आपका मैदान तो सूखा पड़ा हुआ, झूठ बोल रहे हो। अरे भाई अंदर पानी नहीं था इसलिए बाहर आ गया। ये पागल लोग कौन है? अरे मेरी बीवियां हैं। क्यों 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 क्यों, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा। तो ये कारनामे भी आप ही के होंगे? क्यों आपको कोई शक है? नहीं, कौन से पहाड़ से आए हो? तो ठीक है मैं परसों आता हूँ। हाँ। और अपना फर्स्ट एपिसोड भी ले लेता हूँ। हाँ। और आगे के पैसे भी तुम्हें दे देता हूँ। ये पीछे के थे? अरे हमारी इंडस्ट्री में आगे पीछे सब चलता है। हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। ओके सर, फिर आपके आगे पीछे दोनों के एपिसोड तैयार हो जाएंगे सर। बिल्कुल, ओके बाय बाय, गुड लक। थैंक यू सर। ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बच के। हाँ। नंदू हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अरे ये क्या हो रहा है चंदू, ये क्या हो रहा है? नंदू हमारे ना दिन बदल रहे हैं। दिन बदल रहे हैं, चाल नहीं समझी। भाई भाई ये देखो पूरे 20,000 रुपए। घटिया इंसान, इतना गिर सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी। भाई मैंने किसी की जेब नहीं काटी है, ये मेरी मेहनत के पैसे है, वापस दो। पप्पू पर तुम इतने मेहनती कब से हो गए? भाभी मेरा वो जो दोस्त है ना राजू पान वाला, उसका फ्लैट खाली पड़ा था, मैंने वो रेंट पे चढ़वा दिया, पूरे 20,000 रुपए कमीशन मिला है मुझे। है? भाई यू नो व्हाट? व्हाट? मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज से एस्टेट एजेंट बन जाऊँ। बन जा, बन जा। Really? वैसे ये एस्टेट एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य कारवाहक। वाह चंदू। हा? मैं कहता ना था हमारे दिन बदल जाएंगे। नंदू पर ये बात तुमने मुझसे कब कही? मैंने कहा ना, मैं कहता ना था। आप चीनी कितनी लेंगे? है? हमारे घर में चीनी भी है क्या? उनके साथ ही मेरा मतलब है चाय में चीनी कितनी लेंगे? चाय कौन बना रहा है? मैं बना रही हूँ। तेरी दिखाई नहीं दे रहा है? हम क्या तुम्हारी वेट करेंगे कि महारानी कब आएगी, कब चाय बनाएगी, हम कब पियेंगे? अब चाय पीनी है ना तो बताओ, वरना भाड़ में जाओ। अब मैं समझा भगवान अंकल के सर पर बाल क्यों नहीं है। क्यों? इस माचिस के डिबिया की वजह से। इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? भाई उनके मुंह में आंचल है ना। अरे नहीं भाई ये गूंगी है। really? वैसे कह क्या रही थी? अरे भाई ये कह रही है भगवान। अरे यार चंदू मुझे ना स्क्रिप्ट लिखनी है यार, तब तक तुम इन लोगों को संभालो। ओके संभालू? निकालो, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है भाई, क्रिएटिव काम है मुझे। कहाँ जाओ यार, कहाँ जाओ यार? साइड हटो। क्या रास्ते में खड़ी रहती हो काली बिल्ली की तरह? व्हाट व्हाट, ऐसा पंजा मारूंगी ना हाँ चेहरे पे, पूरा पंजाब खिल जाएगा। भाभी हम कॉमेडी शो कर रहे हैं या सास बहू की भसड़? छोड़ो यार रेशमा कहाँ है? हेलो आप अंदर से कैसी हैं? क्या? नहीं मेरा मतलब है कि इस घूंघट के अंदर से आप कैसी दिखती हैं? मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे ऐश्वर्या कहते हैं। हैं? आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या। ओहो ऐश, आओ फिर हम लोग ऐश करते हैं। ये क्या है? अंगूर है। अरे मैं अंगूर की नहीं इस लंगूर की बात कर रही हूँ। आपने मुझे हूर कहा? आपको शर्म नहीं आती? हाय हाय शर्म किस बात की, हम तो अपने ही पति परमेश्वर को अंगूर खिला रहे हैं। क्यों इस उम्र में ये अंगूर खुद अकेले नहीं खा सकते? नहीं डॉक्टर ने मना किया है। किस लिए? है? निकलो बाहर निकलो। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला दिल खिला, तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होंठ
होट जो खिले दिल खिला हाय 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 छोड़ूंगी नहीं नंदू भाई बचाओ अरे यार तो बाहर निकलो अरे पप्पू निकाल बाहर छोड़ इनको बाहर छोड़ क्या किनको भाई अबे यार इन आपत्ति पत्रकारों को सबसे पहले ना मैं इस घूंघट वाली को बाहर निकालूंगा क्यों भाभी इसने मेरी चीख निकाल दी क्यों चीख तुमने अपने आप नहीं निकाली थी यार चांदनी फिर तुम वही घटिया लाइन बोलने लगी हो यार मैं क्या करूं नंदू ये घटिया राइडर खास मेरे लिए ऐसी लाइनें लिख रहा है दिवाली एपिसोड आने दो राइडर को तो बम लगा दूंगा मैं चल सिगरेट की ऐश बाहर निकल क्या अरे हटो बड़े हैं हम पर कुत्ते छोड़ने वाले हा? हम जैसे गरीबों को हमारी जैसे सीधे साधे लोगों को ऐसे तंग करते हो सरकार देख रहे हो ना कैसा बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ अबे कैसी सरकार चुनी है तुम लोगों ने कभी भी गिर सकती है बता रहा हूं मैं सब निकलो यहाँ से अपना सामान लेकर आओ मैं ही लेकर आती हूँ रुको चलो तुम मिर्च को निकालूंगा निकालो सब निकलो बाहर चलो घूंघट पहन के डराती हूँ चलो चलो उठो यहाँ आफत रही यहाँ से कसम से यार बहुत परेशान अभी तक नहीं गए निकल 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 कुछ लोग किसका बजा रिमोट है हेलो जी बोल रही हूँ क्या क्यों मैं देखिए हेलो हेलो अब क्या हुआ नंदू मेरा प्रमोशन रुक गया क्या हमारा प्रमोशन रुक गया बता नंदू मुझे लगता है भगवान और उनकी फैमिली ना हमारे लिए लकी थी कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे इन अंधविश्वासी वाली बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है गौरी नंदू तुम भी ना जरा सोचो जब अंकल और उनकी फैमिली यहाँ थी हमें कितनी अच्छी अच्छी न्यूज मिल रही थी सब बकवास मैं नहीं मानता इन सब बातों को अंधविश्वास मेरा है यार तुम लोग समझ में नहीं आता है यस सर एपिसोड तैयार होने वाला है शाम को नहीं कब सर नहीं ना सर ओके ओके कोई 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 बात नहीं ठीक है क्या हुआ नंदू क्या हो गया प्रोड्यूसर का फोन था हैं बोला था सीरियल बंद होने वाली है और शाम को चार मुसडंडे भेज रहा है एडवांस वापस लेने के लिए ये एडवांस भी गया अरे तूने फोन क्यों काट दिया भाई भाई मैं टेंशन लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अरे यार चांदनी लगता है ना भगवान अंकल हम लोगों के लिए बहुत लकी थे ना चलो पकड़ते हैं उनको कहीं दूर नहीं गए होंगे चलो चलो पप्पू चल अरे आप लोग अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं आप चलिए ना चलिए आइए आइए आपने हमारी बड़ी बेइज्जती की है अब हम नहीं आएंगे क्यों भगवान जानू तुम लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती की है अब हम नहीं आएंगे अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अब बेइज्जती हमने की है तो गलती हमने की है तो हम ही सुधारेंगे ना कैसे क्या खाएंगे पेन और पेपर लेके आओ क्या आप पेन और पेपर खाएंगे जी नहीं उस पर लिखूंगा कि हम लोग क्या खाएंगे अच्छा 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 ऐसी बात है पप्पू पेन और पेपर लेके आ जा भाई लेकिन राइटर तो तुम हो ना तुम लेके आओ आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं चलिए सामान उठाइए सामान उठाइए आपका घर है आइए आइए मेरा बच्चा और आज हम क्विज खेलेंगे बाजू आप तो मेरी बड़ी बहन है चलिए आइए ऐसे कैसे खामोशियां बेचैनियां नादानियां कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकर अखियों की डोर है कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिला
हौसला तेरे होंठ जो खिले दिल खिला दिल खिला तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला वो तेरे होंठ जो खिले दिल खिला तेरी आँख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है बेख्वाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियाँ तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला तेरे होंठ जो खिले दिल खिला तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला वो तेरे होंठ जो खिले दिल खिला हाय 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 तीन दिन हो गए कहीं से भी एक छोटी सी भी कोई गुड न्यूज नहीं आई अभी तक गुड न्यूज मैं आपको सुनाता हूं हाँ ये मां बनने वाली है शालिनी मैं जा रहा हूँ कहाँ मैं इसके घर जा रहा हूँ चूहे कुत्ते बिल्ली सब पकड़ पकड़ के मारूंगा वहां पे इससे पहले कि ये यहाँ बैठ के हमें हमारे घर में मार डाले मैं जा रहा हूँ नंदू मेरी ऑफिस से फोन आया देखो देखो क्या पता कोई गुड न्यूज हो हेलो यस यस स्पीकिंग क्या लेकिन क्यों इसका ऐसे ही रिएक्शन होता है गुड न्यूज पर देखिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए हेलो क्या हुआ मेरा सिर्फ प्रमोशन ही रोक दिया बल्कि सैलरी में से 30% डिडक्शन भी हो गया है शिट इसी टाइम मेरी घंटी बजनी थी जरूर गुड न्यूज होगी हेलो जी हाँ हाँ बोल रहा हूँ अच्छा हाँ लो नो प्रॉब्लम ओके जी ओके क्या मकान मालिक का फोन था कह रहा था अगले महीने से भाड़ा दुगना करो वरना घर छोड़ के कहीं और चले जाओ क्या अरे तेरा फोन क्यों नहीं बज रहा भाई मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था थैंक गॉड बच गया लेकिन ये भगवान चाचा मेरे हाथ से नहीं बचेगा अरे मैं ढोलक हूँ ढोलक भगवान भगवान भाई आज इस ढोलक को बजाई देते हैं बजाई देते हैं देखिए ऐसा मत कीजिए मैं सब पे ऐसा जादू कर दूंगी ना जैसा मैंने अपने भगवान पे किया है ज्यादा बोला ना तो मैं यही बलि चढ़ा दूंगी तुम्हारी और ढोलक की उठाओ इसे बस उठाओ ढोलक को इससे पहले कि मोहल्ले में केला छोड़ केला छोड़ केला छोड़ केला छोड़ खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ